एक विषय आया था कि पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, उसमें कहीं आपका कोई रोल था या कैसे था वो सब? देखिए शमशेर जी, इन मेंबरों ने, ये ड्रामेबाज मेंबर है, अच्छा जी, ये बड़े ड्रामेबाज है, इन मेंबरों ने, तीन मेंबरों ने एक ड्रामा करते हुए शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा जी के ऊपर आरोप लगाकर, डीसी पर आरोप लगाकर, हम दोनों को आरोप लगाकर पद से इस्तीफा देने का नाटक रचा था, एक ढोंग रचा था। वो ढोंग इनके उल्टा पड़ गया और हमारे लिए वरदान साबित हो गया। आज अगर मेंबर इस्तीफा नहीं देते, वो फर्जीवाड़ा नहीं करते, तो हम कब काम में हटा चुके होते हैं। हम बैठे में भी है तो इन मेंबरों को उस पॉलिटिकल ड्रामा की वजह से बैठे में पड़ गए। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तैसे ये सोचे लोग भागे कहेंगे वापस ले, वापस ले, क्यों क्यों इनको इस्तीफा देना आता है, इनको मौका लड़ने की इनमें क्षमता नहीं है, ये दो मिनट में हिम्मत क्या दुनिया भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कहते मेंबर तो ऐसे हैं कि जो अपनी हिम्मत आके दुनिया भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं। शंकर ने सीखा, इन्होंने ड्रामा सीखा है, तो तीन मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। तय सीमा पता नहीं करने, विड्रॉल नहीं किया, विड्रॉल नहीं किया, डीसी साहब ने उसको मंजूर कर लिया। उसके बाद इन्होंने खुद ही पॉलिटिकल मीटिंग की जी, मीटिंग को चली गई लाइव, इंडिया टूडे कौन सा टीवी पर चली हुई थी कि हमने इस्तीफा देकर दे दिया, हमने कोई ड्रामा नहीं किया। तेजी बात, उन्होंने बैकडेट किया, एंट्री करके वो कोर्ट के चला हुआ है, क्रिमिनल भी और सिविल भी, और हाई कोर्ट ने फरमा फिसाई इन तीनों मेंबर को वैलिड ना मानकर। मतलब उसमें आपका कोई प्रेशर, आपकी तरफ से कोई स्टेप नहीं था, नहीं था। अभी खुद आपसे नाराज होके खुद ये ड्रामा कर रहे हैं, इनका ड्रामा इनके उल्टा। शमशेर जी, जब तक आप हमसे कोई काम कहोगे नहीं तो हम काम क्या, हमें क्या पता चलेगा कि भी आपको क्या काम करवाना। कभी मैंने आपको दो बातें रखी हैं जी। आज तक इन मेंबरों ने कहीं पर भी लिखित में एसडीएम को, सेक्रेटरी को, डीसी को, प्रधान को, मंत्री को, किसी को भी लिखित दियो कि सर के डंडा लगाओ, नहीं। आज तक इन मेंबरों ने किसी भी अपने वार्ड के निवासी को, वोटर्स को रिकमेंड किया हो कि भाई तेरा ये रोड बनाया जाना उचित है, तो जब ये दो बातें इनके दिमाग में नहीं है तो अभी आप बताओ ना काम किसने रखा हुआ है, किसके मन से है जी, समझ सकते हैं। अच्छा, पार्षदों के विषय में हम बातचीत करें तो जो भी मेरे साथी जो कमेंट भी करेंगे, मेरे व्यूवर्स भी होंगे और पार्षद भी व्यूवर्स हो सकते हैं, तो उनसे भी हम सवाल करेंगे। पार्षद जी अगर एग्री होते हैं, सभी जो भी पार्षद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया या फिर मान लीजिए पूरी कमेटी में है, अगर किसी भी माध्यम से किसी भी समय अगर पॉसिबल होता है उनसे मिल पाना, तो उनसे भी हम सारे सवाल जवाब करेंगे और वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। आप ये ना समझें कि हम वन साइडेड एक प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम कुछ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे भी सवाल जवाब करेंगे और अगर आपके सवालों में कहीं, आपके जवाबों में कहीं सच्चाई है तो आप भी अपना पक्ष